अब जो अगला अवार्ड है वो दिल से ही बहुत स्पेशल अवार्ड है बिकॉज दिस इज द एडिटोरियल चॉइस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड टू प्रेजेंट दिस नेक्स्ट अवार्ड मैं प्लीज कॉल ऑन स्टेज केपी वालवाकर केपी वालवाकर जोरदार तालियों के साथ पूरे दिल के साथ सब स्वागत कीजिए स्टेज पर एक महान नायिका सरिता जोशी जी लेडीज एंड जेंटलमैन सरिता मैम सरिता जी आपने इतने सालों से हमें इतने प्यारे प्यारे किरदार इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आप परफॉर्म करते हैं हम आपको हमारे फैमिली का हिस्सा ही मानते हैं तो प्लीज आप कुछ शब्द कहें आपको आज कैसा महसूस हो रहा है इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीतकर सबसे पहले आप लोग जो खड़े हुए हैं ये मुझे स्टेज पे आदत है यहां पहली बार देख रही हूं थैंक यू वेरी मच जिंदगी में 7 बरस की उम्र से शुरू की वो थिएटर और उसके बाद तितलिया से शुरू की ये छोटे पर्दे वाला किरदार बाप बहू बेबी से लेकर पुष्पा इम्पॉसिबल तक पहुंची हूं ईश्वर की कृपा है थैंक यू उन प्रेक्षकों का जो मुझे थिएटर में संभालते थे और ये मेरे छोटे पर्दे वाले दर्शकों का जो मुझे टीवी में अब तक देख रहे हैं और संभाल रहे हैं मेरे सब वो कलाकार किरदार मेरे प्रोड्यूसर जेडी और आतिश तो मेरे बचपन से हम लोग छोटे थे तब पर राजन जी बालाजी राजन जी थैंक यू वेरी मच चांद छुपा बादल में तो मैं जहां भी गई हूं मुझे सब प्रोड्यूसरों ने कलाकारों ने और डायरेक्टर तो वैसे भी वो हमें काम दिखाते और मेरे राइटर तो मैं सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरे बच्चे केतकी अरारा और पूर्वी थैंक यू केतू आज वो मेरे साथ आई मुझे बहुत अच्छा लगा बाकी वो जल्दी जल्दी बस सब एनीवे ईश्वर की कृपा होती है यहां तक पहुंची हूं पद्मश्री वो एक थिएटर की इज्जत है मैं बहुत उसमें खुश थी लेकिन आज ये अचीवमेंट जरा ज्यादा हो गया मेरे लिए थैंक यू वेरी मच सबको सबको के लिए अवार्ड अरे वाह क्या बात है इतनी पतली पतली हो गई हूं तो यही स्टेज में वही है तो ईश्वर से चाहती हूं आप लोगों से जरूर चाहूंगी दुआएं आप लोगों को सुखी रहो लेकिन साथ में मुझे शुभेच्छा चाहिए कि मैं ऐसे ही काम करते करते जय हो